You lost your brother, आपका भाई. Yes. You miss him. Very much. Very much. हाँ, बहुत लाडला था और बहुत जल्दी चला गया, अंदाज़ा नहीं था. 14 साल का था और इतना प्यारा, इतना क्यूट. अगर आज मैं उसकी किसी को तस्वीर दिखाती हूँ ना, तो सब कहते हैं कि यार क्या हीरा था. अच्छा, पता है वो हमारे घर में ना, वो एक बच्चा होता है ना जिसकी दुआ और जिसकी बरकत होती है घर में, कि वो तो वो बहुत मन्नतों से आया था. अम्मी के यहाँ ना बेटा नहीं हो रहा था, तो हम तीन, पापा की तरफ से तो कभी अम्मी पे कोई मसला नहीं था, बट ख़ानदान का प्रेशर होता है कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है. तो वो ऑब्वियसली अम्मी भी फील करती थी, अम्मी भी कहती थी कि मेरी तीन बेटियाँ, बेटा नहीं हुआ. तो अम्मी ने बहुत दुआएँ मांगी, बहुत नमाज़ें, बहुत रोज़े और बहुत सारी चीज़ें की. तो उसके बाद मुबीन पैदा हुआ था. ओके. जब मुबीन पैदा हुआ तो ऑब्वियसली फिर जब एक बेटा आता है घर में तो उसका लाड और वो सब चीज़ें होता है. बट वो बचपन जब वो पैदा हुआ था ना, तो तभी वो आईसीयू में चला गया था. बहुत बीमार रहा है बचपन से ही. उसके साथ कोई ना कोई मसला रहा है. पता नहीं, वो खैर एक फैमिली की भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग खुश नहीं होते आपसे. बहुत सारी लोग अम्मी, हाँ, नज़र की भी बात होती है. और फिर वो अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें भी फेस की ख़ानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से. खैर, तो वो जब बड़ा हुआ तो वो बीमार बहुत रहने लगा. वो उसको शुगर थी, वो शुगर पेशेंट था. तो वो फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ते 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 बहुत वेट बढ़ गया. तो उसका एक डेढ़ साल इलाज रहा. जब मैं सांवरी कर रही थी तो सांवरी के बीच में, जो प्रोजेक्ट के बीच, मुझे जब हम बात कर रहे थे तो मुझे सह नहीं रहा, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक की कि आप इतना इम्पोर्टेंट जिंदगी का प्रोजेक्ट कर रही हैं, बट यू कंटिन्यूड. एग्जैक्टली. और जब सांवरी का प्रोजेक्ट हमारा एक साल चला है, तो जब सांवरी हमारी शूट हो रही थी, तो बहुत आगे जाके बीच में मुझे न्यूज़ मिली थी मेरे भाई की डेथ हो गई. बट उससे पहले वो बहुत ज़्यादा, मैं रात में ही उससे मिल के आई थी और मैं यही चिप्स लेके गई थी उसके लिए ना. मैं चिप्स बहुत खाती हूँ, तो मैं रात में चिप्स लेके गई थी. मैंने बोला ये लो मुबीन. तो उसने वो बहुत खाता था, उसने पहली दफ़ा चिप्स नहीं खाए. तो उसने मुझे बोला कि अय्या मेरे पास बैठ जाना. वो भी मुझे अय्या बोलता था और भूखी भी बोलता था. तो वो उसके मैं सारे चिप्स ले लेती थी. तो वो मुझे रात में, मुझे ना, मैं जब जाने लगी ना, मैं इतनी थक गई थी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. उसने मतलब मेरे पास बैठ जाओ. तो मैंने बोला मुबीन यार अभी थकी, मैं कल आऊँगी, कल बैठूंगी ना. सुबह मैं शूट के लिए निकल गई. सुबह मैं शूट के लिए निकली हूँ, मैं उससे इतफाकन नहीं मिल पाई. मैं शूट पे थी ऑन सेट, बहुत मुश्किल है बात करना, बट मैं शूट पे थी. और अच्छा, उसका डायलिसिस हुआ था, ठीक है. फिर वो वेंट पे भी गया था, वेंट से वो वापस आ गया था. बट वो वेंट से जब वापस आया था, वो टोटल 3 दिन यहाँ सर्वाइव किया. बिल्कुल. तो मैं शूट पे थी, मुझे शूट, ये हॉस्पिटल्स वाले ना, क्या बोलूँ मैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो आप मर जाओ. ये सिर्फ पैसा बनाते हैं. और ये जब पैसा बना लेते हैं ना, दारुल सेहत हॉस्पिटल में बताओ, और मैं बिल्कुल खुला बोलूँगी, मुझे कोई वो नहीं है. तो वो उस हॉस्पिटल में था, उन्होंने बिल्कुल पैसा बनाया. जब पैसे बन गए, उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा, नहीं आपका पेशेंट तो आप ले जाएँ प्लीज़, ये तो ठीक है बिल्कुल. हमने कहा नहीं है ठीक ये. उन्होंने कहा नहीं ठीक है. तो हम उसको उस दिन घर लेकर आए थे. और उस दिन मेरे कज़न्स और किसी ने, मेरे दोस्तों दोस्तों ने और पापा के फ्रेंड्स ने बोला इसको SIUT लेके जाओ. तो हम SIUT लेकर गए. और जब SIUT में वो सारे टेस्ट जो दारुल सेहत में एक टाइम, लंबे टाइम से चल रहे थे और वो इलाज चला था, उन्होंने SIUT ने एक दिन में, एक रात में वो सारे टेस्ट हमें ला के दे दिए जो हमने लाखों में करवाए थे. तो मैंने कहा यार पहले ले आते, बट वो बाद में लेके गए. लेकिन जब तक हम लेके गए थे तो उन्होंने कहा किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर ने कहा अगर इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम होता तो फिर हम इसको एडमिट करते. ओके. तो किडनी में तो उन्होंने डायलिसिस हो चुका था, तो नहीं था कुछ मसला. हम उसको घर लेकर आ गए. जब घर लेकर आए तो डॉक्टर ने ये रीज़न बताया कि उसका शुगर लेवल लो हो गया था. जब उसका शुगर लेवल लो हुआ तो वो चला गया. तो मैं शूट पे थी, मुझे शूट पे कॉल आती है. मैं आज तक अपने उस दोस्त से बात नहीं करती जिसने मुझे न्यूज़ दी थी सबसे पहली दफ़ा. मैं आज तक नहीं बात करती. तो उसने मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बताया कि वो ऑब्वियसली घर वालों का एक, अम्मी बहुत ज़्यादा टूट गई थी. अम्मी आज तक बहुत, वो जब बताया गया ना तो मुझे फ़ोन आता है कि वो घर आ जाओ जल्दी. मैंने कहा क्या हुआ है मुझे बताओ. कहते नहीं घर आ जाओ. मैंने कहा मुझे बताओ क्या हुआ है. मेरी बहनें बोल रही हैं बस जल्दी आओ. मेरी दो दोस्त थे मुझे लेने के लिए आ गए क्योंकि उनको पता है शहर को. मैं पागल हो गई थी उस दिन. जब मैं चीखी हूँ. मैंने कहा ये, उन्होंने कहा कि नहीं. मैंने कहा मुबीन को कुछ हुआ है, मुबीन को कुछ हुआ है बता दो मुझे. उन्होंने कहा नहीं मुबीन को कुछ नहीं हुआ, तुम घर आओ, तुम घर आओ. मैंने बोला मुझसे कसम खाओ मुबीन को कुछ नहीं हुआ. उन्होंने बोला कसम खुदा की मुबीन घर पे. और जब हमारी, मेरी गाड़ी घर जा रही थी तो उसको वो वहाँ से नहलवा के लेकर आ रहे थे. तो उसको लेके घर गए. फिर बस चला गया जल्दी. आई नो. आई थिंक माँ बाप के लिए भी बहुत इम्तिहान होता है और बहन भाइयों के लिए भी बहुत बड़ा कि वो इतनी छोटी उम्र पे. हाँ. और दूसरी बात यह कि अम्मी का बहुत लाडला था. मुझे ये अफसोस है कि
मैंने ड्रामा किया, मेरा ड्रामा नहीं देख पाया. और उस वक्त तो ऑन एयर था, लेकिन ऑब्वियसली वो बीमार रहता था, घर वाले भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, मैं पूरा पूरा दिन बाहर रहती थी. तो मुझे ये कि मैं इसको टाइम भी नहीं दे पाई इतना. और बट पता नहीं होता ना, आपने जानबूझ के तो नहीं, आपको नहीं पता होता, नहीं पता होता. लेकिन यू कंटिन्यू शूटिंग सांवरी, उसके बाद मुश्किल हुआ होगा बहुत. हाँ बिल्कुल. फोकस करना अपने आप को वापस उस जगह पे लेकर आना. मैं एक डेढ़ हफ्ता नहीं शूट पे गई थी मैं, बस दैट्स ऑल. मैं तो बहुत ब्रेव है से. डेढ़ हफ्ता, वो भी बहुत ऑन एयर का प्रोजेक्ट था, और डेढ़ हफ्ता भी बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए. बट मैं बिल्कुल यू नो क्वारंटीन हो गई थी. हाँ नहीं, मुझे तो लगता है डेढ़ हफ्ता भी बहुत कम है. क्वारंटीन हो गई तो दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली देखो, हम तो निकल जाते हैं, हम तो जब बाहर जाते हैं बिजी लाइफ देखते हैं, और फिर हम अपने आप को कहीं बिजी कर लेते हैं, और हम कहते हैं नहीं यार यही जिंदगी है शायद. सब हमें बोलते हैं वो हमसे बहुत बेहतर जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे अल्लाह के पास. तो हमसे बेहतर तो, और बहुत तकलीफ में था, सबसे बड़ी बात निकल गया उस तकलीफ से. और अब जब अम्मी को हम देखते हैं, अम्मी रोज़ कब्रिस्तान जाते हैं, तो अम्मी को कहते हैं अम्मी रोज़ नहीं जाया करें. तो अम्मी को अगर हम कभी मना कर देना, अम्मी नाराज़ हो जाती है. अम्मी कहती हैं वो मेरा बेटा है और वो जिंदा है, मैं जाऊँगी उसके पास. तो वो रोज़ कब्रिस्तान जाती हैं, फूल बिछाती हैं, वहाँ डॉगीज आते हैं, उनको खाना खिलाती हैं, बिस्किट्स वगैरह ये वो, तो वो सब करती हैं. अभी आज उसकी बर्थडे है मुबीन की, तो आज वो अम्मी ने देख शेख घर में पूरा इंतज़ाम करवाया था. तो मदरसे के बच्चों को हम बुलाते हैं जब उसकी बर्थडे होती है तब भी, और जब उसकी बर्थडे होती है तब भी. तो वो घर पे मदरसे के सारे बच्चे को बुला के उनको खाना खिलवा के, और बहुत सारी मस्जिदों में देगे भिजवा के, और खाना वगैरह का हम कुछ करते हैं. और उसके कपड़े हर ईद पे आते हैं, उसकी उसके कपड़े हर बर्थडे पे आते हैं, उसकी चप्पले हर बर्थडे पे आती हैं. हम सब बच्चों की आती है, उसकी भी आती है ना, वो अभी तक उसकी भी. और हम उसकी हर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. तो अब उसको 3 साल हो गए, लेकिन हम उसकी हर बर्थडे सेलिब्रेट. तो रावे बहुत सब्र आ गया, लेकिन जब वो शुरू का वक्त था ना, तो ऑब्वियसली समझ में नहीं, इमोशनल हो गई थी. मुझे कुछ कुछ बोलते थे, मैं रो जाती थी. अब तो खैर ऑब्वियसली टाइम गुजर जाता है, और अल्लाह के पास हर किसी ने जाना है. तो अगर हम ये बोले ना कि यार वो चला गया, कभी कभी अम्मी अबू भी बोलते हैं ना कि हमने भी तो जाना है, तो वो एक सचका लगता है आपके दिल को. दिल आपका हाथ में आ जाता है कि क्या बात हो गई है. नहीं भाई, अब नहीं है हिम्मत किसी को खोने की. बस साथ रहो. सही बात है. कहते भाई हम चले जाएं, पहले आप लोग रहो दुनिया. आई हैव ऑल्सो लॉस्ट अ ब्रदर. और मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला ना, आप तो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, माँ बाप उसमें ही रहते हैं. उस लॉस का तो एक वो ग्रीफ होता है, बट अपने माँ बाप को उस लॉस के थ्रू गुजरते हुए देखना, आई थिंक वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है. बिल्कुल. आप उनको उस दर्द से निकाल नहीं पाते. नहीं निकाल. और वो मैं कहती हूँ ये ऐसा इम्तिहान अल्लाह ताला बस सब पे. अच्छा, मेरे घर में ना उसकी तस्वीरें लगी हुई सब फैमिली मेम्बर्स की ना. तो वो कभी कभी जब हमारा टीवी भी है लाउंज में, तो वहाँ पे भी पिक्चर, जब टीवी भी चल रहा होता है ना, अचानक नजर चली जाती है उस पर. नजर जाती है तो वो याद आ जाता है. और इतनी सारी बातें, बस मुझे एक अफसोस है कि उस दिन ना मैं उसके पास नहीं बैठ सकी. मुझे शूट पे जाना था, और मैंने उसको कहा बीच में, तो मैंने कहा था मैं शूट छोड़ दूंगी इस शूट की वजह से. मैं फिर मैंने कहा यार ये बहाने होते हैं सिर्फ, जाने वाले चले जाते हैं, फिर आप कोसते रहते हो. अच्छा, उस मेरे पापा के लिए तो ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मुबीन से पहले मेरे चाचू की डेथ हुई थी. तो पापा ने तो वो जब चाचू की डेथ हुई थी ना, तो चाचू पे पापा ने उनको, पापा और जब मेरी पापा और अम्मी की शादी हुई थी, तो वो इतने छोटे से थे. तो अम्मी ने उनको नहलाया है, अम्मी ने उनको बड़ा किया है. तो वो भी एक बेटे की तरह थे. तो अम्मी का बेटा नहीं हुआ था, लेकिन अम्मी उनको बेटे की तरह पालती थी. तो वो एक बहुत टफ. तो पापा के लिए ना, पापा हमेशा कहते थे वो मेरा बेटा है. तो वो जहाँ मेरी बड़ी बहन है, तो वो कहते थे ये भी मेरा बेटा है. तो वो पापा के लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपना भाई खोया और फिर बेटा. और इतनी जल्दी जल्दी हुआ, कहते ना कि आप. अच्छा, मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता मेरे खानदान में कभी किसी की डेथ हुई हो, और मुझे याद हो वो डेथ. रोई नहीं कभी. याद ही नहीं है, बच्चे थे, याद ही नहीं है. जब चाचू की हुई ना, तो दिल बंद हो गया कि यार ये क्या, ये भी कोई चीज़ होती है. जब डेथ होती है तो घर का माहौल अजीब हो जाता है, इतना हंसी खल्ला गुल्ले वाला घर, और अचानक ही हो जाता है. फिर कुछ अर्से बाद जब मुबीन चला गया, तो हमने बोला कि हर किसी को जाना है. फिर तैयार हो गए कि यू नो ऑलवेज आप लोग रेडी रहें. आपको नहीं पता आपके अपने कब चले जाएं, तो जितना वक्त दे सकते हैं दे दें, जितना प्यार कर सकते हैं कर लें, जितना उन पे लुटा सकते हैं लुटा दें यार. फिर कब वो वक्त आए या ना आए, या क्या पता चला जाए. और हमेशा आपको तभी अफसोस होता है जब उस वक्त चला जाता है. कहते यार काश उस वक्त ये कर लेती, उस वक्त वो कर लेती, उस वक्त ये कर लेती. बस अल्लाह आप सबको बहुत बहुत हौसला दे, और आप लोगों को इस, मतलब ये मुझे लगता है तो जिंदगी भर के लिए एक मुश्किल टाइम होता है, बट और अल्लाह उनको अपने पास बहुत प्यार से रखे. आमीन आमीन. आपके भाई को भी आमीन. चाहे मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री में जब आप आई, तो आपको लगता है आपको अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ा या नहीं?
जैसी शहर आई थी वैसी ही है शहर आज भी। अच्छा, मुझे आज तक लोग बोलते हैं कि मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ। अच्छा, चुरबुली सी, हंसी मजाक करने वाली, और मैं हूँ बहुत पटाखा शुरू से ना, तो हर कोई मुझसे थोड़ा डिस्टेंस रखता है कि अब कुछ बोल देगी, अब कुछ बोल देगी। तो वो मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, लेकिन हाँ मेरी एक्टिंग में थोड़ा ठहराव आया है। मुझे पता चला है कि कहाँ, ये एक्टिंग एक गेम है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कब कौन सा चौका मारना है।